है कि डॉक्टर अजय प्रसाद है ना, डॉक्टर अजय प्रसाद रोट अ बुक ऑन अकाउंटेंसी। डॉक्टर अजय प्रसाद ने एक अकाउंट्स की बुक लिखा, मतलब इसको क्या मानेंगे, लैंडलॉर्ड है ना, ठीक है। और गिव टू राइट प्रिंटिंग एंड सेल टू द भारती प्रकाशन, और इन्होंने ये किताब छापने और बेचने का अधिकार किसको दे दिया, प्रिंट करने और बेचने का काम दे दिया किसको, भारती प्रकाशन। ये कौन हो गया, लीजी, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज क्या पता चल गया, हु इज लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम है डॉक्टर अजय प्रसाद, लीजी का नाम है भारती प्रकाशन, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, क्या डॉक्टर अजय प्रसाद रोट अ बुक ऑन अकाउंटेंसी गिव्स राइट टू द प्रिंटिंग एंड सेल टू द भारती प्रकाशन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और क्या है, पहली शर्त तो ये है कि बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज होगा, कोई बात नहीं है। रॉयल्टी इज 10% प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड, है ना। मतलब क्या बोल रहा है ना कि जो बुक बिकेगा, मतलब जो बुक बिकेगा उसका प्रिंटेड प्राइस का 10% रॉयल्टी होगा, समझ में आ रहा बात को। और एक बुक का प्रिंटेड प्राइस कितना रुपया है, 60 रुपया। अब देखो, एक बुक के ऊपर ये बुक है मान लीजिए, ठीक है ना, प्राइस 60 रुपया लिखा है, तो ये 60 रुपये में बिकेगा, है ना, तो इसका 10% रॉयल्टी यानी 6 रुपया होगा। मतलब हर एक किताब बिकने पर रॉयल्टी कितना होगा, 6 रुपया। रॉयल्टी के बारे में क्या बोला, रॉयल्टी कितना होगा, 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ बुक सोल्ड, है ना, जो बुक बिक रहा है उसके प्रिंटेड प्राइस का 10%। तो एक बुक बिक रहा है कितने का, 60 का, प्रिंटेड प्राइस कितना है, 60 का, तो मतलब एक बुक 60 में बिक रहा है तो उसका 10% आप निकालोगे, है ना, तो यानी 6 रुपया, एक किताब बिकने पे 6 रुपया रॉयल्टी होगा, जितना किताब बिकेगा उससे मल्टीप्लाई करके। ईच ईयर रॉयल्टी पेड ऑन 31 जनवरी इन द फॉलोइंग ईयर। देखो ये अच्छी बात यहाँ बोल दिया, ड्यू तो 31 दिसंबर को होगा लेकिन पेमेंट 31 जनवरी को होगा, याद है ना, एक आध क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, मतलब 31 दिसंबर 2015 वाला 31 जनवरी 2016 को पेड होगा, याद रखेंगे, कोई बात नहीं है। फॉलोइंग अकाउंट इज गिवेन इन द भारती प्रकाश लिमिटेड, फॉलोइंग अकाउंट इज गिवेन, देखिए भारती प्रकाश ने ये सब इंफॉर्मेशन भी हमको दिया, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, पहला तो बोला भाई ईयर बता दिया, 3 साल में, है ना, कितना बुक प्रिंट हुआ, कितना बुक सैंपल स्पेसिमेन मतलब सैंपल के तौर पे बांटा गया, कितना अनसेलेबल मतलब वेस्टेज रह गया, और कितना क्लोजिंग हो गया, ठीक है। आपको नेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ भारती प्रकाशन यानी लीजी के बुक में जर्नल एंट्री, फिर से सॉरी अकाउंट फिर से सुनेंगे। डॉक्टर अजय ने क्या किया, किताब लिखा, है ना, और ये छापने और बेचने का अधिकार किसको दे दिया, भारती प्रकाशन को। तो इससे एक चीज तो क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये लीजी हो गए आपके भारती प्रकाशन और लैंडलॉर्ड हो गए डॉक्टर अजय, है ना, ठीक है। अच्छा, टर्म्स क्या तय हुआ है, हर साल के 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होगा, है ना, रॉयल्टी कितना होगा, हर बुक बिकने वाले बिक के बुक का जो आपका प्रिंटेड प्राइस होगा उसका 10%, और एक बुक का प्रिंटेड प्राइस 60 रुपया है तो मतलब 6 रुपया, एक बुक बिकेगा तो 6 रुपया आपका रॉयल्टी होगा, ठीक है। और रॉयल्टी जो है हर दिसंबर वाला अगले साल के 31 जनवरी को पेड होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन है, लेजर बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट। पहले तो हम लोग क्या, हम लोगों को रॉयल्टी कितना बोला, 6 रुपया पर बुक सोल्ड, क्या नंबर ऑफ बुक सोल्ड कहीं पे है, देखिए तो सर नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था नंबर ऑफ बुक सोल्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक सोल्ड कैसे निकलेगा, हमने आपको मेन फॉर्मूला उसी दिन बता दिया है, पब्लिकेशन कंपनी के पास स्टॉक कितना बचेगा लास्ट में, कैसे पता चलेगा, पहले ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में जो स्टॉक था पहले उसको लिख देंगे, फिर जितना उन्होंने प्रिंट किया ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट करने से आपका क्या होता है, किताबें बढ़ता है, ठीक है, फिर उसमें से प्रिंट करने से बढ़ेगा, और लेस कब होगा, जब आप सेल करेंगे या आपका वेस्टेज होगा या आपका स्पेसीमैन के रूप में बटेगा, मतलब सैंपल, ठीक है। तो लास्ट में कितना किताब बच गया कैसे पता चलेगा, साल के शुरू में जो किताब था उसमें से नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड ऐड करके सेल वेस्टेज और स्पेसीमैन उसमें से माइनस कर देना, है ना, ठीक है। तो लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, सेल, तो सेल को उठा के इधर कर दो, बाकी सबको इधर कर दो। तो देखो यहां से क्या फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ बुक सोल्ड इक्वल टू, है ना, सेल माइनस इधर आके प्लस हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स
प्लस प्रिंटेड माइनस वेस्टेज माइनस स्पेसिमैन माइनस क्लोजिंग। कैसे किए हम लोग? अरे कुछ नहीं किए, इसको हटा दिए, इधर ले आए, माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड निकालने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट मैंने ऊपर आपको भी समझा दिया। देखो क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर कौन कौन से ईयर का इंफॉर्मेशन है, 2015, 16, 17, हाँ जी। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको नंबर ऑफ बुक सोल्ड निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग है कि नहीं है, सर ओपनिंग तो नहीं है, लेकिन बुद्धि लगाओ बचवा, पहला देखो ओपनिंग यहां से अपने से तुम दिमाग लगा सकते हो, पहला साल तो ओपनिंग नहीं होगा, पहला साल का क्लोजिंग, दूसरे साल का ओपनिंग, पहले दूसरे साल का क्लोजिंग, तीसरे साल का ओपनिंग, तो ओपनिंग हो जाएगा ना दो साल का, 700 600, ठीक है ना, पहले साल के अंत में जो बचेगा वही ना अगले साल के शुरुआत में होगा, और दूसरे साल के अंत में तीसरे साल के शुरुआत में होगा, तो पहला का ओपनिंग नील और दूसरा और तीसरा का 700 600। नील 700 600, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक है ना। अच्छा दूसरा क्या है हमारा, फिर उसमें क्या करना है हम लोग को, प्रिंटेड बुक्स जितने हैं उतना ऐड कर देना है, तो ऐड नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड, कितने बुक और छपे, देखो नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड 4200, 5100, 7600, 4200, 5100, 7600, ठीक है जोड़िए पहले, सर कितना आ गया यहां, तो 4200 ही रह गया, क्या हो गया 5800, 8200, फिर इसमें लेस करना है, क्या लेस करना है, प्रिंटेड बुक वेस्टेज, फिर स्पेसिमैन, फिर क्लोजिंग, तो पहले लेस करेंगे वेस्टेज, कितना बुक वेस्ट हुआ देखो, तो देखो ना वेस्टेड, अनसेलेबल मतलब बिकने योग्य नहीं, तो बर्बादी नहीं है, 200, 150 और 250, यही था ना, ठीक है माइनस कर देते हैं, चार हजार, 5650, 7950, ठीक है। वेस्टेज के बाद है आपका, फिर क्या माइनस होता है देखिए, तो स्पेसिमैन है ना, तो देखो स्पेसिमैन के तौर पे कितना बटा है, 300, 350 और 550,
350 550 3,700 5,300 और 7,400। ठीक है, फिर लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक देखो माइनस करना है ना क्लोजिंग स्टॉक। देखो यही फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ बुक सोल्ड निकाल रहे हैं। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 700 600 और 300, 700 600 300। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पता चल जाएगा। तीन हजार, 4,700 और 7,100। 3,000 किताबें बिका और ये देखिए आंसर में भी दिया है। देखो जन आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज देखो बच्चा, पूरा क्वेश्चन पढ़ दिए, कहीं कोई शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट बताया, तो मिनिमम रेंट जब है ही नहीं तो शॉर्ट वर्किंग होगा, सरप्लस होगा, रिक्विपमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, बेमतलब का टाइम वेस्ट करना है। मेरा कहना है कि जब मिनिमम रेंट से कंपेयर होके ही तो शॉर्ट वर्किंग निकलता है, सरप्लस निकलता है। अब शॉर्ट वर्किंग नहीं होता तो रिक्विप क्या खाक होगा, इसलिए इतना बड़ा कॉलम की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिंपल सा एनालिटिकल टेबल बनेगा, छोटा छोटा दो तीन पॉइंट होगा। तो टेबल में हम लोग क्या क्या बनाएंगे सर, एक तो ईयर रख लेंगे हम लोग, एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं हम लोग। एक कॉलम होगा ईयर का, एक होगा नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, क्योंकि रॉयल्टी उसी के बेस पर निकलना है। फिर होगा रॉयल्टी, बस। अब क्यों कॉलम बना है, मिनिमम रेंट है नहीं है, शॉर्ट वर्किंग होगा नहीं होगा, सरप्लस होगा नहीं होगा, शॉर्ट वर्किंग रिक्विप्टेड होगा नहीं होगा, पेमेंट टू लैंडलॉर, अरे जितना रॉयल्टी होगा वही तो पेड होगा, अलग कॉलम बनाने की क्या जरूरत है ना। अगर आप चाहें तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, बना ही देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जितना रॉयल्टी होगा वही अमाउंट पेमेंट टू लैंडलॉर्ड होगा। ये क्वेश्चन जेवियर्स में आ चुका है। हाँ जी बच्चों, देखिए 2015 16 17, 2015 2016 और 2017, ये 3 साल हैं। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कितना है, 3,047,171, 3,047,100 और 7,100। रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 6 रुपया पर बुक है ना, 60 रुपया का बुक था तो 10% बोला था पर बुक सोल्ड है ना, तो यहां पर 6 रुपया से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 18,000, और इसको 6 से गुना करोगे कितना होगा, 0,0 6 7 42 के 2 4 6 24 4 28। ₹42,600 ये हो गया, रॉयल्टी निकल गया। देखो वही 18,000 28,200 और 42,000, देखो 18,000 28,200 और 42,000, हो गया कि नहीं हो गया रॉयल्टी। अच्छा उसके बाद अब हम लोग सेम ही अमाउंट पेमेंट होगा, और भैया जो रॉयल्टी होगा तुम पे करो, कोई यहाँ मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग सरप्लस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक बार हम लोग जर्नल एंट्री कर देते हैं, देखिए जर्नल एंट्री करने से बहुत कुछ क्लियर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं किसके बुक में, पब्लिकेशन कंपनी का नाम क्या था, भारती प्रकाशन, हालांकि अकाउंट बोला है, अकाउंट भी बनाएंगे लेकिन पहले जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द
बुक्स ऑफ भारती प्रकाशन, ठीक है, भारती प्रकाशन के बुक्स में जर्नल एंट्री पहला 2015, बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज होता है तो 31 दिसंबर को पहले रॉयल्टी ड्यू करेंगे। कितना रॉयल्टी? 18,000 में वो कुछ नहीं एंट्री में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड का नाम क्या था? डॉक्टर अजय प्रसाद था, डॉक्टर अजय प्रसाद। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी टू डॉक्टर अजय प्रसाद अकाउंट, कितना रॉयल्टी हुआ था? 18,000। लेकिन पेड अभी नहीं होगा। क्या बोला था कि हर साल का रॉयल्टी अगले साल के 31 जनवरी को पेड होता है, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला? यहां पर देखो तो है ना, ईच ईयर रॉयल्टी इज पेड ऑन 31 जनवरी इन द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब आने वाले साल के 31 जनवरी को, तो पेमेंट एंट्री अगले साल के 31 जनवरी को जाएगा, बस पीएल में ट्रांसफर कर देंगे फिलहाल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट सॉरी 18,000। शॉर्ट वर्किंग का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। और ये पेड कब होगा? ठीक है, पेड कब होगा? पेड होगा अगले साल के 31 जनवरी को, यानी 2016 के 31 जनवरी को ये पेमेंट करेंगे। किसको हम लोग? डॉक्टर अजय प्रसाद को। ठीक है, ड्यू किए पेमेंट अगले 31 जनवरी को और पीएल ट्रांसफर हुआ उसी दिन। ठीक है, 31 दिसंबर को ड्यू और पे ये हो गया। अब 31 दिसंबर 2016 को आते हैं, फिर बताओ रॉयल्टी कितना है इस बार? 28,200 है ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर? पेमेंट कब होगा? अगले साल के 31 सॉरी ये हो गया, पेमेंट तो अभी नहीं ना होगा, अगले साल के 31 जनवरी को होगा, तो बस यहां पर पीएल में ट्रांसफर कर दो। और ये पेमेंट कब होगा? 2016 31 दिसंबर का है, तो 2016-17 31 जनवरी को डॉक्टर अजय प्रसाद। टू बैंक अकाउंट ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहे हम लोग दो हजार सत्रह के 31 दिसंबर को, रॉयल्टी है 42,600। का स्पेलिंग पहले भी गलत कर देती है। बैलेंस अच्छे से ठीक है ना, ड्यू कर दिया लेकिन पेमेंट अगले 31 जनवरी को होगा, बस पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं।
ठीक है। और ये पेमेंट कब होगा? 2018 के 31 जनवरी को। चलो सर एक चीज बताओ, क्या अकाउंट कौन कौन सा बनेगा? रॉयल्टी अकाउंट बनेगा और क्या बनेगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा, या शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, तो रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनेगा? देखो जिस डेट को रॉयल्टी पे हो रहा है बाबू, 31 दिसंबर को पे नहीं हो रहा है, ड्यू हो रहा है, उसी दिन ना पीएल में जा रहा है, तो टू लैंडलॉर्ड और बाई पीएल। टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल 2015 था शायद पहले ना, 2015 को रॉयल्टी कितना हुआ था? 18,000। 2015 31 दिसंबर लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड मतलब टू डॉक्टर अजय प्रसाद अकाउंट 18,000। फिर 2015 31 दिसंबर को टू लैंडलॉर्ड बाई पी एल बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। ठीक है ना। फिर 2016 31 दिसंबर को फिर टू लैंडलॉर्ड डॉक्टर अजय प्रसाद अकाउंट और बाई पी एल वही अमाउंट चला जाएगा पीएल में। तो देखो ना 2016 को कितना है रॉयल्टी? 28,200। 2017 को रॉयल्टी कितना था? 42,600। 2017 31 दिसंबर को टू डो डॉक्टर अजय प्रसाद 42,600 2017 के 31 दिसंबर को बाई पी एल अकाउंट 42,600। तो ये तो आपका रॉयल्टी अकाउंट हो गया। दूसरा कौन सा अकाउंट बनता है? लैंडलॉर्ड अकाउंट। कौन है लैंडलॉर्ड? डॉक्टर अजय प्रसाद, डॉक्टर अजय प्रसाद अकाउंट। ठीक है ना। तो डॉक्टर अजय प्रसाद अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए बाबू, हम लोग क्या बताए थे? हम लोग फॉर्मेट ये बताए हैं, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग बेकार है क्योंकि शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, पेमेंट के लिए टू बैंक, और इक्विपमेंट के लिए बेकार है, टू रिक्वेस्ट शॉर्ट वर्किंग लेकिन है नहीं, तो बस बाय रॉयल्टी टू बैंक। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार 31 दिसंबर को ड्यू होगा और अगले 31 जनवरी को पेड होगा, है ना? मतलब ऐसे होगा 2015 31 दिसंबर को
बाय रॉयल्टी ड्यू हुआ कितना, 18,000 रुपया। और अभी पेमेंट नहीं होगा, अभी बैलेंस होगा। ठीक है, और 2016 के 1 जनवरी को क्या बन जाएगा, ये बाय बैलेंस बीडी। सीडी हो गया, बीडी हो गया। अब यही वाला 31 जनवरी को जाके पेड हो जाएगा। देखो ना, 31 दिसंबर को ड्यू किए बाय रॉयल्टी, फिर सीडीबीडी हो गया, फिर अगले साल के 31 जनवरी को पे कर दिए, फिर इस साल के 31 दिसंबर को ड्यू होगा जो, फिर अगले साल जाके पे होगा। ठीक है, 31 दिसंबर को रॉयल्टी देखो कितना है, 28,200। ठीक है, अभी नहीं पे होगा, अगले बार पे होगा, अभी सीडीबीडी करो। अट्ठाईस हजार दो सौ और 2017 के 31 जनवरी को ये पेड हो जाए टू बैंक। फिर इस साल के 31 दिसंबर को रॉयल्टी ड्यू होगा। कितना रॉयल्टी ड्यू होगा, 42,600। पेड़ अभी नहीं होगा, पेड़ अगले साल होगा, 70,800। माइनस कर देना, 42,600 आएगा। ठीक है, अब ये कब पेमेंट होगा, अगले साल के 31, जनवरी को। समझ आ गया।